छिंदवाड़ा जिला अभी ऑरेंज जोन में शामिल है, जिसके चलते शहर में लॉकडाउन लगातार जारी है और शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात है, परंतु शहर के कई लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं। इसी को देखते हुए शहर के सीएसपी अशोक तिवारी सहित टीम ने शहर में सख्ती से दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को रोक कर चेकिंग और पूछताछ की। इस दौरान दोपहिया वाहन से बेवजह घूम रहे लोगों को तत्काल पकड़कर उनसे उठक बैठक लगवाई गई और समझाइश देकर छोड़ दिया गया। छिंदवाड़ा से महेश चांडक की रिपोर्ट। जो है जो डबल सवारी चल रहे हैं, जो अनावश्यक जा रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है, कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। देखने पा रहा है कुछ लोग जो है सही आवश्यकता के कारण अस्पताल जा रहे हैं, कुछ लोग जो है दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग जो है शासकीय कार्य से जा रहे हैं, कुछ पेंशनधारी जा रहे हैं जो पेंशन लेके जा रहे हैं। हम इस बात की चेकिंग कर रहे हैं कि कोई अनावश्यक मूवमेंट तो नहीं कर रहा है, जो ज़बरदस्ती लॉकडाउन में घूमने कर रहे हैं उनकी गाड़ी जब्त की जा रही है। अभी हमने 3-4 गाड़ियाँ जब्त की हैं जो कि ज़बरदस्ती में निकले हैं। ये अनावश्यक संक्रमण ना फैले, लोग लॉकडाउन का पालन तरीके से करें, इतनी सख्ती बरती जा रही है, इतनी कार्रवाई की जा रही है। सर डबल सीटों पर भी कार्रवाई की जा रही है।